हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज हम बनाने वाले हैं शाही रेसिपी जिसका नाम है शाही पुलाव। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, तो आइए बिना कोई देर किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। शाही पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी चावल, ये बासमती चावल है, एक मीडियम साइज अनार, कुछ किशमिश 10 से 12, आप इसकी जगह अंगूर ले सकते हैं, अभी अंगूर का सीज़न नहीं है इसलिए मैंने यहाँ किशमिश ली है, कुछ लौंग, आधा चम्मच जीरा, एक तेजपान का पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 काली मिर्च, आप काली मिर्च और बढ़ा सकते हैं, 10 से 12 काजू जिसमें मैंने एक काजू के 2 पीस कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ सूखे हुए मटर जिसको मैंने रात भर भिगो कर रखा था। थोड़ी सी शक्कर डालकर मैंने इसे 2 से 3 सीटी लगाकर बॉईल कर लिया है। यहाँ पर मैंने लिए है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 मीडियम साइज़ टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्च जिसे मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा कट कर लिया है, कुछ फ्रेश कड़ी पत्ते जिसे मीठा नीम भी बोलते हैं, कुछ फ्रेश धनिया की पत्तियाँ। अब हम इन चावल को अच्छे से 2 से 3 बार धो लेंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, उसके अंदर मैंने ये बड़ा चम्मच ऑयल भर के डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये सारे खड़े मसाले। पहले हम ऑयल को चेक करेंगे इसका टेम्परेचर, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें सारे ये खड़े मसाले डाल देंगे। हम काजू को सबसे लास्ट में डालेंगे खड़े मसालों में, क्योंकि काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं। अब मैं इसमें काजू भी ऐड कर दूंगी। देखिए हमारे मसालों में अच्छा तड़का आ चुका है। अब हम इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे वरना ये जल जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कड़ी पत्ता जिसे हम मीठा नीम भी बोलते हैं, उसके बाद हरी मिर्च, इसे भी लगभग 1 मिनट तक पकाएंगे। देखिए हमारी हरी मिर्च हल्की सी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये प्याज। अब हम इसे अच्छे से हिलाएंगे। हमें प्याज को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें सिर्फ इसे हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही पकाना है। देखिए हमारे प्याज पहले से सॉफ्ट हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये टमाटर। अब हमें इसे भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही पकाना है। ये देखिए हमारे प्याज और टमाटर दोनों अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, ये अच्छे से दब रहे हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये धुले हुए बासमती चावल। अब हम एक बार इन चावल को अच्छे से हिला लेंगे, उसके बाद हम वही कटोरी लेंगे जिससे कि हमने चावल को नापा था, उसी कटोरी से हमें चावल का 3 गुना पानी लेना है, क्योंकि हम ये चावल कढ़ाई में बना रहे हैं। अगर यही हम कुकर में बनाते हैं तो हमें चावल का 2 गुना पानी लेना होता है। यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ली है इसलिए मैं यहाँ पर चावल का 3 गुना पानी ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने 3 कटोरी पानी डाल दिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा हिला लूँगी, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ये बॉइल्ड मटर जिसको मैंने थोड़ी सी शुगर डालकर 2 से 3 बार उबाल लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये किशमिश, आप जहाँ तक हो सके फ्रेश अंगूर ही लें, उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बट अभी सीज़न नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर किशमिश ली है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये 1 टेबल स्पून नमक। हम इसमें हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि हम शाही पुलाव बना रहे हैं। हम इसे एक बार अच्छे से हिला लेंगे, उसके बाद इसका ढक्कन लगाकर लगभग 15 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। आप चाहें तो इसे बीच में एक बार चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसे 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं हमारे राइस बने हैं या नहीं। ये देखिए हमारे राइस बन चुके हैं, आप थोड़े से राइस हाथ में लेकर इसे दबाकर चेक कर सकते हैं, वैसे तो इन्हें देखकर ही पता चल रहा है कि ये पूरी तरह से पक चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया।
इस स्टेज पर हमें पुलाव को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है क्योंकि ये बहुत गर्म है। गर्म पुलाव का अगर हम ज़्यादा हिलाते हैं तो हमारे चावल जो है वो टूट जाएंगे और इतने सुंदर नहीं लगेंगे। सबसे लास्ट में अब मैं इसमें ऐड करूँगी अनार के दाने। जी देखिए लग रहे हैं ना हमारे पुलाव बहुत ही यम्मी। अब ये सर्व करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। आप मेरी ये छोटी सी शाही पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मेरे वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, आपको उसे दबाना है। उसके बाद आपके सामने एक घंटी बनी हुई आएगी, आपको उसे क्लिक करना है ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।